मॉर्निंग न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मनीषा और आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सिद्धार्थ हेकड़े की। सिद्धार्थ हेकड़े ने सीसीडी को अपने संघर्ष और प्रतिभा के दम पर खड़ा किया था। भारतीय समाज में हर कसौटी पर सिद्धार्थ एक सफल शख्स थे, लेकिन उनकी मौत ने सफलता और सुकून के संबंधों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ ने 3 साल पहले दिए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बिजनेसमैन रिटायर नहीं होते बल्कि वो मरते हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने 3 साल पहले जब ये बात कही थी तो उन्हें एहसास नहीं होगा कि उनकी मौत निराशा के अंधेरे में होगी या फिर से ऐसे व्यवसायी हैं जो खुद को ही खत्म कर लेंगे। तारीख थी 29 जुलाई 2019। एक बहती नदी पर थमा हुआ पुल, नदी है नेत्रावती। श्रृंगागिरी पर्वत से निकलकर पश्चिम समुद्र की ओर जाती नेत्रावती नदी। शाम के धुंधले में एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठा शख्स बीच नदी के ऊपर पुल पर गाड़ी से उतर जाता है। ड्राइवर को जाने के लिए कहता है। ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल जाता है और उसके बाद आदमी को किसी ने नहीं देखा। बाद में एक मछुआरा बताता है कि उसने किसी को नदी में कूदते हुए देखा था या शायद गिरते हुए देखा हो। और अगले दिन जब शेयर बाजार खुला तो एक कंपनी ने जबरदस्त गिरावट देखी। देख कोई और भी रहा था, लेकिन साल था 1956। कर्नाटक का चिकमंगलूर वेस्टर्न घाट में बसा मध्यम मध्यम तापमान वाला कर्नाटक का एक हिल स्टेशन, चंदन और कॉफी के लिए मशहूर एक शहर। एक परिवार जमीन देख रहा था। खानदानी पेशा था कॉफी उगाना। भाइयों के बंटवारे से हिस्से में आए 90,000 रुपए जमीन खरीदी 489 एकड़। ये वही साल था जब इस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा वीजी सिद्धार्थ। पिता के कॉफी उगाने का कारोबार अच्छा था, उसे संभालने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पर आई। मंगलूर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हुए सिद्धार्थ उधेड़बुन में थे। रास्ता कोई हाथ नहीं लग रहा था। हाथ लगी एक फाइनेंशियल मैगजीन, इसमें प्रोफाइल थी महेंद्र कंपनी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रेसिडेंट की। जिसे पढ़ा और कंपनी के पास चल दिए। साल था 1983। 2 साल तक काम किया सिद्धार्थ ने इस कंपनी के साथ एनलिस्ट के तौर पर। फिर बेंगलुरु आकर अपना ट्रेडिंग का काम शुरू किया। बहुत मुनाफा हुआ। सिद्धार्थ ने सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम के कैपिटल फर्म बनाकर मुनाफे के पैसे से और कॉफी बागान खरीदने शुरू किए। करीब 3,500 एकड़ फिर आया साल 1992। अभी हर्षद मेहता वाला कांड सामने नहीं आया था। इसकी सुर्खियों में आने से करीब 15 दिन पहले की बात है। सिद्धार्थ के मन में जाने क्या आया। उन्होंने स्टॉक मार्केट का अपना सारा निवेश बेचा और निकल लिए। 2 हफ्ते बाद शेयर बाजार के डिजिटल मलबे में अनगिनत सपनों की लाशें थी। देखते ही देखते वो भारत के सबसे बड़े कॉफी एक्सपोर्टर बन गए। इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा था उनका कॉफी। 1993 में उन्होंने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड से कैफे बिजनेस की शुरुआत की। कॉफी डे ब्रांड के नाम से दुकानों में कॉफी बीन्स और कॉफी पाउडर की सप्लाई शुरू की। कॉफी बिजनेस की इसी कड़ी में अगला बड़ा मकाम आया 1996 में, जब 37 वर्ष के सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे लॉन्च किया। 1.5 करोड़ के शुरुआती निवेश से
करोड़ों रुपए के कॉफी कारोबार मालिक की ये 1.5 करोड़ की रकम बड़ी नहीं थी। करोड़ों रुपए के कॉफी कारोबार मालिक के लिए ये 1.5 करोड़ की रकम बड़ी नहीं थी। रिटर्न बड़ा था, मगर 11 जुलाई को बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर खुला पहला सीसीटीवी। सिद्धार्थ का कॉफी उत्पादक होना उनके इस बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट था। सीसीडी शुरू करने का किस्सा सिद्धार्थ ने कईयों को सुनाया, यूं कि एक बार वो सिंगापुर में थे जहां एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खा रहे थे। उन्होंने देखा लोग बियर पी रहे हैं और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धार्थ कॉफी के आदमी थे, उन्होंने यहां से आइडिया उठाया और बियर को कॉफी से रिप्लेस कर दिया। सीसीडी की पीठ पर बैठकर सिद्धार्थ की कंपनी कॉफी डे इंटरप्राइजेस ने बहुत तरक्की की। सिद्धार्थ भारत के सबसे अमीर 100 लोगों की लिस्ट में आ गए। निवेशकों ने भी इसमें काफी पैसा लगाया। 2015 में सिद्धार्थ की कंपनी पब्लिक हुई, उम्मीद जितना पैसा नहीं आया। 207.15 रुपए प्रति शेयर की शुरुआत हुई बीएसई में, जबकि इशू प्राइस 328 रुपए था। 29 तारीख को वीजी सिद्धार्थ के लापता होने की खबर आते ही शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। शेयर 20% नीचे गिर गए। जिसने कैफे कॉफी डे में 100 रुपए लगाए थे, उसके लिए एक दिन के कारोबार में ही 80 रुपए रह गए। लेकिन 100 रुपए के शेयर कौन खरीदता है, इसलिए नुकसान करोड़ों में हुआ, कुल 2128 करोड़ रुपयों का। लेकिन ये बात तब की है जब सिद्धार्थ लापता हो चुके थे। उससे पहले कहानी क्या थी? सिद्धार्थ पर सितंबर 2017 से ही अघोषित संपत्ति रखने के मामले में जांच चल रही थी। इनकम टैक्स विभाग ने सिद्धार्थ की उन संपत्तियों की जांच चला ली थी जिन संपत्तियों पर टैक्स न देने का अंदेशा था। अपनी चिट्ठी में भी सिद्धार्थ ने इनकम टैक्स के पूर्व डीजी पर आरोप लगाए हैं कि सिद्धार्थ को प्रताड़ित किया गया। 2017 में सिद्धार्थ के खिलाफ 700 करोड़ के कर की चोरी की जांच हुई, जो अभी भी जारी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद हैं वीजी सिद्धार्थ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब जांच शुरू हुई तो एसएम कृष्णा 2017 में भाजपा में आ गए। पिछली तिमाही में सीसीडी को 67 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन सालाना टर्नओवर 4,264 करोड़ का रहा, यानी कि 127 करोड़ का मुनाफा हुआ। उन पर बायबैक का दबाव था, बायबैक अपनी कंपनी के शेयरों को वापस खरीदने का दबाव, और ये दबाव कौन डाल रहा था? उनके लास्ट लेटर में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसी लेटर में लिखा गया है कि कोई इक्विटी पार्टनर दबाव डाल रहा था। यही वो मिस्ट्री है जो अभी तक सुलझी नहीं है कि कंपनी पर कौन दबाव डाल रहा था, कौन है इक्विटी पार्टनर। बाजार ये रहस्य सुलझा रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि सीसीडी से ज्यादा नुकसान वाली कंपनियां अभी भी चल रही हैं। सीसीडी पर बाजार का कर्ज था जरूर, लेकिन उसे पाटने का साधन भी था। अगर थोड़ा समय सिद्धार्थ और रुक जाते तो शायद बात बन जाती। सिद्धार्थ आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। सिद्धार्थ ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब वो दबाव नहीं झेल सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पहले इस बात को लेकर संदेह था कि क्या ये पत्र सिद्धार्थ ने लिखा है, जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पत्र सिद्धार्थ का ही लिखा है। 1985 में सिद्धार्थ ने कॉफी की फसल को खरीदना शुरू किया था। सिद्धार्थ का ये कारोबार 3000 एकड़ में फैल चुका था। सिद्धार्थ की सीसीडी के साम्राज्य की बुनियाद भी यही रखी गई, और उसी साम्राज्य को छोड़कर 29 जुलाई को चुपके से वो दुनिया को अलविदा कह गए।